डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स, प्रीवियस लेसन्स में आप सीख चुके हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ज़रा स्पीड पकड़ते हैं। हम आज सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम कवर करते हैं, आइए देखते हैं। मुख्तसर आपको बता दूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होती है कि आप किसी कुछ सेल्स को सेलेक्ट कर दें और सिलेक्शन के बाद आप ये करते हैं कि उन पर कुछ कंडीशंस शराइत लगाते हैं और उन शराइत के मुताबिक आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑर्डर देते हैं कि इसके मुताबिक आप क्या करें, ये सेल्स शो करने कर दें या गायब कर दें या इसका कलर चेंज कर दें वगैरह वगैरह। मैंने यहाँ पे सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम जो हासिल करदा नंबर हैं या सॉरी जो परसेंटेज है इस पर हम कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं हाईलाइट सेल रूल्स, कि सेल को हाईलाइट करना है उसके लिए रूल्स क्या हैं। ग्रेटर देन, यहाँ पर जाकर हम बताएंगे कि अगर इन इन सेल्स की वैल्यूज़ इस फिगर से ज़्यादा हो तो इसको ये कलर दिया जाए, ठीक है? वो कलर भी हम सेलेक्ट करेंगे। लेस देन, चले देखते हैं, ग्रेटर देन पर क्लिक करते हैं। ग्रेटर देन पर क्लिक कर दिया मैंने और फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन कितने से ज़्यादा हों, यहाँ मैं टाइप करता हूँ 80। मैं कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ 8 एंड 0, ठीक है? 80 से जिनकी वैल्यूज़ ऊपर हों तो मैं यहाँ से कलर क्या कहते हैं सॉरी मैं यहाँ से कलर कस्टम फॉर्मेट पे जाता हूँ और मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी का कलर ले लेता हूँ यहाँ से, कि जिनकी वैल्यूज़ 80 से ऊपर हों वो सियान कलर में नज़र आने चाहिए। ओके, और ओके प्रेस कर दिया, ठीक है? अब मैं सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ, ठीक है? ये मुझे बता रहा है कि जिन जिन की वैल्यूज़ 80 से ऊपर हैं तो उनके कलर ये हैं, ठीक है? आपके सामने तो लिहाजा सबके कलर जो हैं वो ज़्यादा हैं, सॉरी 80 से ऊपर हैं तो टेक्स्ट जो है उसका कलर चेंज हो गया। मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ। मैंने सिर्फ ये नहीं करना है कि इसका कलर चेंज, वो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। मैं दोबारा इस पर जाता हूँ, ग्रेटर देन पर जाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ 8 एंड 0, ठीक है? 8 एंड 0, 8 और 0। अच्छा, यहाँ से मैं कस्टम फॉर्मेट पे जाता हूँ और ये फिल कलर जो है, फिल कलर पे मैं क्लिक करता हूँ और सियान कलर में सेलेक्ट कर देता हूँ इस बॉक्स से, और ओके प्रेस करता हूँ, ठीक है? यहाँ से ओके, ठीक है? तो इसने मुझे बता दिया कि जिन जिन सेल्स की वैल्यूज़ 80 डिजिट से ऊपर हैं तो वो सियान कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह मैं कुछ और सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि उसमें क्या हो, 80 टेक्स्ट डिजिट्स लिखे हों, आप कुछ टेक्स्ट भी सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये टेक्स्ट है, लेकिन ये हम बाद में सेलेक्ट करें। अब यहाँ से हम देखें कुछ टेक्स्ट जो है चेंज करते हैं। देखें, जैसे हमने टेक्स्ट चेंज करना शुरू कर दिया तो आप देख रहे हैं कि सेल की वैल्यूज़ जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। और यहाँ हम देखते हैं इन सेल्स की वैल्यू बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है? दोबारा हम इसको सेलेक्ट करते हैं। आप इस एरिया को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ आता हूँ दोबारा, ग्रेटर देन, वो तो था 80, अब मैं 70 पे या 60 पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 60 पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है? कि 60 से जिनकी वैल्यूज़ ऊपर हैं तो ये 60 हो गया, तो उनके कलर क्या होने चाहिए, कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं, फिल कलर में जाते हैं और यहाँ से सियान के बाद हम क्या करते हैं, इसका कलर थोड़ा लाइट ऑरेंज रख लेते हैं, ओके और ओके, ठीक है? अब इसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, ये कह रहा है कि जिनके नंबर जो हैं वो, ये तो मैंने गलत जगह सेलेक्ट कर दी, कंट्रोल जेड, अच्छा इसका कलर क्यों चेंज है, नहीं ठीक है सही। अच्छा, तो देखें इसने कलर बिल्कुल चेंज कर दिया। इसी तरह हम यहाँ देखें, हम यहाँ अप्लाई करते हैं इस एरिया पे, ठीक है? हमने ये सेल सेलेक्ट कर दिया जहाँ पर सब्जेक्ट्स के ऑब्टेंड मार्क्स मौजूद हैं। यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन लेस देन, कि जिनके नंबर कम हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ कि जिनके नंबर जो हैं वो 33 से कम हैं
वो क्या हो, सेल फॉर्मेट, और इसको हम रेड कलर देना चाहते हैं। ओके और ओके, तो वो बता रहा है कि भाई सिर्फ एक सेल ऐसा ही है कि जिसके कलर वो क्या है, मार्क्स जो हैं 33 से कम है, मैं यहाँ 32 लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 25, और यहाँ मैं लिखता हूँ 28। तो इस तरह जहाँ जहाँ मैंने कल नंबर्स जो हैं वो 33 से कम रखे तो उनके कलर चेंज हो गए। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोबारा जाता हूँ। बिटवीन के दरमियान, यानी जिनके नंबर्स 80, और मैं यहाँ लिखता हूँ 80, और यहाँ से टैब दबाता हूँ, ठीक है, सॉरी, 80 एंड 95 के दरमियान हो तो उनका कलर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उन सेल्स का कलर जो है वो मैं रखता हूँ ब्लू, और ब्लू के साथ उसका फ़ॉन्ट का कलर, या उसको मैं करता हूँ ब्राउन, और फ़ॉन्ट का कलर जो है वो वाइट रख लेता हूँ। ठीक है, और ओके प्रेस करता हूँ। ओके, ठीक। अब देखें, ये हमें बता रहा है कि जिन 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 सेल की वैल्यूज़ जो हैं वो 80 एंड 95 के दरमियान है तो उनके कलर ये हो गए। ठीक है, इसी तरह मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। आप देखें, मैं इस पे कुछ और अप्लाई करता हूँ, सही है, इक्वल टू, जिन जिन सेल्स के मार्क्स जो हैं वो 100 के बराबर हैं, या 100 नहीं, मैं 90 रख लेता हूँ, कि जिनके मार्क्स क्या हों, 100, चले फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ कि उनके मार्क्स जो हैं, अगर इन सेल्स के मार्क्स 45 नहीं 33 के बराबर हों तो इनके कलर जो हैं वो क्या होने चाहिए। फ़ॉन्ट का कलर मैं वाइट रख लेता हूँ, एक एग्जांपल है, या कोई भी रख सकते हैं आप, या फ़ॉन्ट का कलर नॉर्मली छोड़ सकते हैं, और फिल कलर जो है, सेल जो है उनके फिल कलर वो मैं येलो कलर रख देता हूँ, और ओके प्रेस करता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि कोई ऐसा कलर नहीं है कि जो 33 के बराबर हो, किसी की वैल्यू भी इतनी नहीं है। मैं चेंज करता हूँ, मैं 33 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी 33 लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ 33 लिख देता हूँ, यहाँ 33 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, हमें वो कलर बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या है, इतने नंबर्स के बराबर है। इसी तरह टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इसको ज़रा देख लेते हैं कि टेक्स्ट, अगर मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेल है, इसको मैं, ये जो दर्जा जहाँ लिखा हुआ है, इस पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर दिया, और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, और मैं लिखता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन, कौन सा टेक्स्ट मैंने फाइंड करना है, मैं सॉरी मैं उर्दू में ही लिख लेता हूँ, उर्दू में मैं लिख लेता हूँ मुमताज़, कि जिन जिन सेल्स में मुमताज़ लिखा हुआ हो उनका कलर क्या होना चाहिए। उनका कलर फॉर एग्जांपल ब्लू या पर्पल, में पर्पल रख लेता हूँ। ओके, ठीक है, कंडीशनल दोबारा जाते हैं इस पर, और फ़ॉन्ट का जो कलर है वो वाइट रखते हैं ताकि नज़र आए। ठीक है, और ये फ़ॉन्ट नहीं, हमने फिल कलर जो है वाइट कर दिया, ये वाइट हो और फिल कलर जो है वो क्या हो, पर्पल हो। ओके ओके, ठीक है, तो अब ये हमें बता रहा है कि जिस जिस सेल में मुमताज़ का वर्ड लिखा हुआ होगा उसका कलर क्या है, पर्पल कलर है, और उसका टेक्स्ट का कलर वाइट होगा। ठीक है, अच्छा, दोबारा मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और दोबारा उसी ऑप्शन पे जाता हूँ, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, मुमताज़ के बाद जईद जिद्दन है, मैं उर्दू से लिखता हूँ जईद जिद्दन। ठीक है, जईद जिद्दन मैंने लिखा तो मैं इसका भी फॉर्मेट ज़रा चेंज करता हूँ, इसका मैं फॉर्मेट लगा लेता हूँ कि इनका कलर कैसा हो, ये हो, और सेल का कलर और टेक्स्ट का कलर वाइट हो, या टेक्स्ट का कोई भी कलर आप रख सकते हैं। ओके, तो देखिए वो मुझे बता रहा है कि जईद जिद्दन जिस जिस सेल में लिखा होगा तो उसने खुद ही उसका कलर फॉर्मेट चेंज कर दिया। दोबारा इस पर अप्लाई करता हूँ, यहाँ चले जाते हैं टेक्स्ट दैट कंटेंट्स जईद, ठीक है, जईद मैंने लिखा और यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट पे आ गए,
यहाँ से टेक्स्ट जो फॉन्ट का कलर है वो चेंज कर दिया, और यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर, सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ओके प्रेस कर दिया और ओके, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि जिस सेल में जैद का लफ्ज़ लिखा हुआ होगा उसका कलर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो उसके उसने अपने साथ साथ क्या कर दिया, जैद जीतन जो है उसको भी चेंज कर दिया। मतलब ये है कि ये जैद का जो लफ्ज़ है ये इस सेल में भी मौजूद है जैद, ठीक है। तो ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मज़ीद आगे देखते हैं, अ डेट अकरिंग का मतलब ये है कि कोई तारीख जो है वो क्या हो, मौजूद हो। तो मिसाल के तौर पे मैं एक न्यू शीट लेता हूँ, चलें, या इसी शीट पे ही काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ मैं डेट लिखता हूँ इक्वल टुडे, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर दबा दिया। इसने यहाँ जो है वो क्या कर दिया, डेट लगा दिया। मैं ये सेल्स सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, इतने सारे ये सेल्स मैंने सेलेक्ट कर दिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, अ डेट अकरिंग, कोई तारीख, यस्टरडे यानी गुज़िश्ता कल की तारीख पे, और टुडे आज की तारीख अगर उसमें है, ठीक है, या इसी तरह टुमारो आने वाले कल की तारीख उसमें है, या इसी तरह क्या है, इन द लास्ट सेवन डेज, गुज़िश्ता सात दिनों की में से कोई एक तारीख हो, लास्ट वीक, गुज़िश्ता एक हफ्ते में से कोई एक तारीख हो, दिस वीक, इस हफ्ते की तारीखों में से कोई एक हो, ठीक है, नेक्स्ट वीक, आने वाले हफ्ते में से कोई एक तारीख उसमें मौजूद हो, लास्ट मंथ, गुज़िश्ता महीना यानी गुजरा हुआ महीना जो है उसकी तारीखों में से कोई भी तारीख मौजूद हो, या पूरे महीने की तारीखें मौजूद हों, इन सब की यही हालत है, ठीक है। दिस मंथ, इस महीने की कोई भी तारीख हो या पूरे महीने की तारीखें हों, नेक्स्ट मंथ, इसमें आने वाले महीने की तारीखें मौजूद हों, ठीक है। तो मैं करता हूँ टुडे, फॉर एग्जांपल टुडे लिखता हूँ, यहाँ से मैं उसका कलर फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। ये आप जान चुके हैं कि कलर फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं। तो आप ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसका हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर भी लिखूँगा इक्वल टुडे और ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करके एंटर दबा दिया, तो ये खुद ही उसने क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया। लेकिन मैंने ये देखो ये सेल मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इस पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की थी। अगर मैं यहाँ एंटर दबाऊँगा फार्मूला लगा के तो यहाँ कोई कलर चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आगे देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और क्या है। डुप्लीकेट वैल्यूज़, डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो देखते हैं, चलें, ये बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ देखते हैं ये सेल्स जितने भी हैं इसको हम अप्लाई सेलेक्ट करते हैं, और सिलेक्शन देने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ हम देखते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़, ठीक है, डुप्लीकेट या यूनिक, यूनिक पर क्लिक करो। कि जो यूनिक का मतलब ये है कि ऐसी वैल्यूज़ कि वो वैल्यू किसी दूसरे सेल में बिल्कुल मौजूद नहीं है, ठीक है, या वो वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो कॉमन हैं वो या दो दो मौजूद हैं या तीन तीन मौजूद हैं, ठीक है, इस तरह। मैं डुप्लीकेट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं सेल फॉर्मेट, अच्छा, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है, दूसरा है येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ठीक है, इसी तरह और लिखा हुआ है क्या, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, चलो ये करते हैं, ये भी ये फॉर्मेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, अच्छा, लाइट रेड फिल ये भी अप्लाई कर सकते हैं, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। मैं ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ओके ओके दबाया। तो आप देखें जो जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाले सेल हैं उन सब का कलर और फॉर्मेट ये हो गया, ठीक है। ये जो सेल है इसकी डुप्लीकेट नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, जिनके कलर बिल्कुल चेंज है इनकी कोई डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है, इस पूरे एरिया में, ये जो हमने पूरा एरिया सेलेक्ट किया था, जितने सेल्स हमने सिलेक्शन की थी, ये देखें 83 है या 33 है या 98 है, ये जितने भी सेल्स ग्रीन एंड डार्क ग्रीन में हैं, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन में हैं, तो इनकी डुप्लीकेशन मौजूद है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस एरिया को, और आगे देखते हैं कि हम और क्या करते हैं, मोर रूल्स पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ और भी बहुत सारे रूल्स हैं, ये अगर आप देखें ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो ये बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन दियर वैल्यूज़, ठीक है,
अच्छा इसी तरह लिखा हुआ फॉर्मेट ऑनली सेल्स दैट कंटेन, पहले का मतलब यह है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन दियर वैल्यूज, कि तमाम सेल्स को क्या कर दें फॉर्मेट कर दें, किस बुनियाद पर, उनकी वैल्यूज़ की बुनियाद पर, कि किस सेल में कितनी वैल्यू होनी चाहिए तो उसका ये कलर हो, कितनी वैल्यू होनी चाहिए तो ये कलर हो। यानी यहाँ से आके आप बैक वक्त बहुत सारे रूल्स एक साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, सॉरी बहुत सारे रूल्स से मुराद ये है कि आप लगाना चाहते हैं कि अगर इतने वैल्यू से ऊपर हो तो उसका ये कलर होना चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इतनी वैल्यू से कम हो तो वो उस पर क्या कलर होना चाहिए तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं, टू कलर स्केल या थ्री कलर स्केल या क्या डेटा बार स्केल वगैरह, इस तरह आप मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डेटा बार आइकन स्टेप्स वगैरह। इसी तरह दूसरा जो ऑप्शन है फॉर्मेट ऑनली सेल्स दैट कंटेन, सिर्फ वो सेल फॉर्मेट कर दें कि जिनमें जो मुश्तमिल हैं किस चीज़ पर, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेट ऑनली सेल्स विद सेल वैल्यू, सेल वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू या इक्वल टू, नॉट बिटवीन, बिटवीन, ठीक है, के दरमियान होनी चाहिए, के दरमियान नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू के बराबर होनी चाहिए, के बराबर नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन से ज़्यादा होना चाहिए, से कम होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू से ज़्यादा और के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू से कम और के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह दूसरे ऑप्शन भी हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट, कि स्पेसिफिक टेक्स्ट यानी वो सेल्स फॉर्मेट कर दो कि जिनमें यह टेक्स्ट मौजूद हो तो वो टेक्स्ट यहाँ लिख लो, ठीक है, नॉट कंटेनिंग कि जिसमें ये टेक्स्ट मौजूद ना हो वो टेक्स्ट यहाँ लिख लो, मैं अगर यहाँ टाइप कर दूँगा मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ मुमताज़ और मैंने ये रूल अप्लाई कर दिया नॉट कंटेनिंग कि जिन सेल्स में ये लफ्ज़ मौजूद ना हो तो उन पे ये अप्लाई करो, ठीक है। इसी तरह बिगिनिंग विद, ठीक है, कि इस टेक्स्ट से जिनकी इब्तिदा हो रही है, या यहाँ पर मैं कोई 1, 2, 3 भी लिख सकता हूँ, कोई डिजिट वगैरह भी लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा इसी तरह एंडिंग विद, एंडिंग विद का मतलब यह है कि अच्छा मैंने डिलीट कर दिया कि इस टेक्स्ट के साथ उसका अख्तिताम हो तो उनको फॉर्मेट कर दो, इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। अच्छा डेट अकरिंग, कुछ तारीखें हैं, तारीख मैंने आपको बता दिया। अच्छा ब्लैंक्स बिल्कुल खाली हैं, जो जो सेल खाली हैं उनको इस फॉर्मेट पे लगा दो, ठीक है। इसी तरह नो ब्लैंक्स, जो खाली नहीं है उनको ये फॉर्मेट लगा दो, यहाँ से फॉर्मेट आप बना दें, ठीक है। अच्छा इसी तरह एरर्स, जिन जिन सेल में ख़राबियाँ हैं गलतियाँ हैं तो उनको ये फॉर्मेट दे दो, ठीक है। इसी तरह लिखा हुआ है नो एरर्स, जिन जिन सेल्स में एरर्स नहीं हैं गलतियाँ नहीं हैं तो उनको ये फॉर्मेट लगा दो, ये फॉर्मेट लगा दो ताकि उसको ये कलर नजर आए। फॉर्मेट ऑनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज़, कि जिनकी वैल्यूज़ क्या हो टॉप पे हो या बॉटम पे हो, फॉर्मेट वैल्यूज डेट रैंक इन द टॉप, टॉप कितनी है 10%, टॉप 10% में जितने भी वैल्यूज़ आती हैं तो उनको हाईलाइट कर दो, बॉटम 10% में जितनी वैल्यूज़ आती हैं उनको हाईलाइट कर दो, यहाँ से परसेंटेज आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट ऑनली वैल्यूज़ देट आर अबव और बिलो एवरेज, उन वैल्यूज़ को फॉर्मेट कर दो, उन सेल्स को फॉर्मेट कर दो कि जिनकी वैल्यूज़ क्या हों एवरेज यानी औसत या दरमियाना जो फिगर होता है उससे ऊपर हों या नीचे हों, अबव का मतलब है से ऊपर हों, ठीक है, और बिलो का मतलब है से नीचे हों, इक्वल और बिल अबव यानी के बराबर हो और ऊपर हो, इक्वल और बिलो के बराबर हो या नीचे हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है डेवलपमेंट, अच्छा डिवाइड अबव, फर्स्ट स्टेट डिवाइड अबव, वन स्टेट डिवाइड बिलो, और इसी तरह क्या लिखा हुआ है टू स्टेट डिवाइड अबव वगैरह, ये सारे रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम और देखते हैं टॉप बॉटम रूल्स क्या हैं। टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, इस पर क्लिक करें, ठीक है। टॉप 10 आइटम्स विद क्या, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। अच्छा मैं ये करता हूँ, येलो कर देता हूँ, ओके। तो ये हमें बता रहा है कि जो टॉप 10 वो हैं फिगर्स हैं वो इस कलर में आ गए। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं,
टॉप 10%, ठीक है, यहाँ ये हम परसेंट फॉर एग्जांपल परसेंटेज पे अप्लाई करते हैं, तो मैं आता हूँ यहाँ पे टॉप 10%, ठीक है, और उसको मैं फॉर्मेट क्या दे रहा हूँ, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, चलो रेड बॉर्डर देता हूँ, ओके। तो यहाँ वो बता रहा है कि टॉप 10 क्या है, कोई भी नहीं है, क्योंकि इन सब की जो है परसेंटेज क्या है, 90 से नीचे ही नीचे है, ठीक है। इसी तरह एक और ऑप्शन है बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम पे क्लिक कर दें, इनमें से बॉटम 10 आइटम्स कौन से हैं, ये मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर दिया, बॉटम 10% नहीं, यहाँ से मैं बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और उनका कलर कैसा कैसा होना चाहिए, देखो मैं ये लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ओके प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइट और डार्क रेड के जो सेल्स हैं, ये क्या हैं, ये बॉटम 10 आइटम्स हैं, ठीक है, इनको हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जितने भी सेल्स हैं ये क्या हैं, बॉटम 10 में आ रहे हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ जो हैं सबसे नीचे के जो 10% है, बॉटम 10% उसमें आ रही है, बॉटम 10% भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसी तरह, ठीक है। और इसी तरह आप कुछ और भी आप अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर जो सेल्स हैं उनकी वैल्यू, उनके कलर क्या है, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ओके। तो जो जो सेल्स एवरेज से ऊपर हैं जिनकी वैल्यूज़, उनके कलर देखें लाइट एंड डार्क ग्रीन हो गया, मैं दोबारा सिलेक्शन करता हूँ, ये सिलेक्शन मैंने की और मैं यहाँ आता हूँ बिलो द एवरेज, तो ये भी वही ऑप्शन है, मोर रूल्स जो है वही है, ये मैंने भी आपको बता दिया कि इसमें क्या है। अच्छा, डेटा बार्स मैं करता हूँ, ठीक है, आप जो आपके पास वो है सेल्स हैं, देखें इस तरह के डेटा बार्स भी आप लगा सकते हैं कि जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा है उसमें वो कलर उतना ज़्यादा आएगा और दूसरा कलर कम हो जाएगा, ठीक है, सेल्स में, ये देखें। अच्छा, मोर रूल्स में आप कलर भी सेट कर सकते हैं और रूल्स भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें देखें कलर स्केल्स, आप कलर स्केल्स भी दे सकते हैं, ठीक है, इसमें ग्रीन येलो रेड कलर स्केल, ठीक है, ये तीन कलर हैं, ग्रीन येलो एंड रेड, का मतलब ये है कि जिनकी वैल्यूज़ क्या हों, बिल्कुल टॉप पे हों, तो उनका कलर अलग होगा, तीन सिर्फ तीन कलर ही हैं मुख्तलिफ, ठीक है। इसी तरह आप स्केल कलर में देखें और भी बहुत सारे स्केल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, देखें ये कलर अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये मैं ये अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप मज़ीद कलर और भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मोर रूल्स पे जाके आप मज़ीद कलर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। आइकन सेट्स देखिए, आइकन सेट का मतलब ये है कि आप आइकन्स के जो सेट्स हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। अब ये आइकन के जो सेट्स हैं ये काम क्या करते हैं और ये इसका फ़ायदा क्या है, तो चलें इसको ज़रा देख लेते हैं। आइकन सेट्स में मैं आ गया और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये थ्री एरो कलर्ड, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मुझे बता रहा है कि जिन जिन की वैल्यूज़ तकरीबन 80 से ऊपर हैं तो उन पर ये एरो आ रहा है ऊपर है, ठीक है, जिनकी एवरेज जा रही है तकरीबन तो वो येलो कलर में राइट साइड की तरफ क्या कहते हैं एरो, राइट एरो की के साथ शो हो रहा है, जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल नीचे हैं तो देखें वो रेड एरो डाउन साइड की तरफ दिखा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू, जिनकी वैल्यूज़ ऊपर हैं वो भी दिखा रहा है, जिनकी एवरेज है वो भी दिखा रहा है और जिनकी नीचे हैं वो भी दिखा रहा है। इसी तरह ये भी है, आप फ्लैग भी सेट कर सकते हैं इसी तरीके से, आप डॉट्स भी सेट कर सकते हैं, आप जो है ये कुछ बटन्स हैं लाइट, ट्रैफिक लाइट की तरह, ये भी सेट कर सकते हैं, आप इनमें से कोई भी आइटम आप सेट कर सकते हैं, जिस तरह वाईफाई का सिग्नल होता है ये भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह और भी बहुत कुछ है, फाइव रेटिंग्स भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, फोर रेटिंग्स भी सेट कर सकते हैं, ये फाइव रेटिंग में फाइव सिग्नल होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये देखें फाइव क्वार्टर्स भी सेट कर सकते हैं, न्यू रूल पे आ जाएं और आप अपने न्यू रूल भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ के कोई रूल पसंद नहीं है। इसी तरह सॉरी, न्यू रूल में आके यहाँ से डायलॉग बॉक्स से कोई और रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, और क्रिएट रूलर रूल्स पे आके आप क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सारे रूल्स जो हैं वो हमने क्लियर कर दिए। अब हम दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन देने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे,
और न्यू रूल जो है मैं क्या है क्रिएट करता हूँ, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। ठीक है, एंटायर शीट से करना है तो ये क्लिक कर दें, जिस शीट पे आप मौजूद हों उस पूरे, ये जो शीट है शीट नंबर 2, इस पूरे के पूरे शीट से क्या हो गया, वो फॉर्मेटिंग जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई। इसमें एक और ऑप्शन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, आप सिर्फ ये टेबल सेलेक्ट कर दें अगर इस पर रूल लगे हुए हैं। अभी देखिए मैं हम कंट्रोल जेड दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल जेड वंस अगेन दबाते हैं। ठीक है, देखिए अब ये पूरा टेबल हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इस पर अभी तक रूल्स हैं और यहाँ आते हैं, लेकिन अब भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये ऑप्शन मौजूद है। और चौथा ऑप्शन इसमें है, फोर्थ ऑप्शन, क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस पिवट टेबल। ठीक है, हम इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा क्लियर कर दिया, मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ, मैं अपने शीट को सेव करता हूँ। आगे लिखा हुआ है मैनेज रूल्स, इस पर क्लिक करें, आप कुछ रूल्स जो हैं वो मैनेज भी कर सकते हैं अगर आपने रूल अप्लाई किए हुए हैं। यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, देखें इन रूल्स को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया मैनेज रूल्स। अब देखें यहाँ पर रूल्स की क्या है, लिस्ट आ गई क्योंकि हमने यहाँ रूल्स क्लियर किए थे तो इसलिए यहाँ लिस्ट में आ रही। इन रूल्स को आप क्या है ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाज़ रूल्स ऐसे हैं कि वो दूसरों के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए अभी तक हमने बहुत सारे रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए हुए हैं, सारे रूल्स क्या है यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो जो रूल्स हमने अप्लाई किए हुए हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, किस रूल को ऊपर लगाना है, किस को नीचे रखना है ये आप रख सकते हैं, किसको डिलीट करना है यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये रूल है या ये कोई भी है, मैं इस रूल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट रूल ये ख़त्म हो गया, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी, और ओके प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो जो रूल मैंने डिलीट कर दिए, सॉरी कंट्रोल जेड दबा दिया मैंने, कंट्रोल वाई प्रेस कर, कंट्रोल एस। ठीक है, जो रूल्स मैंने डिलीट कर दिए वो ख़त्म हो गए और जो बाकी उससे पहले मौजूद थे वो रूल्स यहाँ पर अप्लाई हुए हुए हैं। तो इसी तरह फॉर्मेट टेबल एज, इसके लिए आपको टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन हम बाद में पढ़ लेते हैं। उम्मीद है कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की समझ आई होगी और आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ साथ फिर हाज़िर होते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।